नमस्कार व्यूअर्स आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन आप हमारे सेशन देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर और हम आपको बता दें हमारे सेशन हमारे क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए है आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस द टॉपिक दैट वी हैव टेकन अप टूडे इज डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि है चैप्टर नंबर फाइव ऑफ योर टेक्स्ट बुक तो डेमोक्रेसी और राइट्स जी हाँ डेमोक्रेटिक राइट्स ये दो टर्म्स हैं हम समझेंगे क्या है डेमोक्रेसी और क्या है राइट्स और क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स डिफरेंसेस बहुत सारी बारीकियां हम समझने की आज कोशिश करेंगे हमारे आज के इस सेशन में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन सजेशन्स और फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं आप हमें ई लिख सकते हैं हमारा ई मेल है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन और आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें यू you नो know, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस डिस्कशन के लिए हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट वी आर जॉइंड बाय मिस अशोषिका भदौरिया मैम वेलकम टू द सेशन थैंक यू मैम सभी को नमस्कार जी मैम लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस हैं फ्रॉम सर्वोदय कन्या विद्यालय और मैम के साथ हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं मैं एक बार फिर बता दूं क्लास नाइन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक राइट्स मैम डेमोक्रेटिक राइट्स ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर जी. तो हम इन दोनों टर्म्स को अच्छे से पहले समझ लेते हैं डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी से बना है एग्जैक्टली exactly डेमोक्रेसी क्या होती है और जब हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स क्या हुए हैं उससे रिलेटेड बिल्कुल हरप्रीत बहुत जी. ही अच्छा क्वेश्चन है आपका जी शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी वर्ड से सो डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड जो दो शब्दों के एडिशन uh, से बना है डेमोस डेमोस एंड क्रेसी। क्रेसी मतलब मतलब जनता और शासन। okay. तो एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर जनता का शासन हो जहाँ जनता अपने मतदान द्वारा जिस सरकार को निर्वाचित करती हो जी. ऐसा शासन ऐसी राजनीतिक प्रणाली डेमोक्रेसी के रूप में जानी जाती है जी तो और जैसा आपने राइट्स के बारे में भी बात की तो किसी भी जनतांत्रिक देश में अधिकारों का बहुत महत्व होता है बिल्कुल वो उसकी फाउंडेशन होते हैं वो उसको सशक्त करते हैं जी। तो जनता के पास उनके राजनीतिक अधिकार हैं इसलिए वो चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी मनचाही सरकार इलेक्ट करते हैं और ये सरकार फिर अगले पांच वर्ष तक जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करती है जी यानी हर चीज जनता से जुड़ी है तो कह सकते हैं इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एग्जैक्टली और अभी हमने देखा भी कि चुनाव भी हुए लोकसभा चुनाव तो ये सारे डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होते हैं और चुनाव यानी इलेक्शन डेमोक्रेसी का स्तंभ भी माने जाते हैं और राइट्स भी मैम ने समझाएं कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं तो मैम अगर हम राइट्स की बात करें तो हम जब हमारी कंट्री की बात करते हैं तो एक वर्ड हम सुनते हैं फंडामेंटल राइट्स और कभी कभी हम लीगल राइट्स भी सुनते हैं तो ये दोनों क्या डिफरेंट है

उन दावों में एक फेयरनेस होनी चाहिए एक जस्टिस का भाव होना चाहिए वही फिर अधिकार बन जाते हैं राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सनस रिकोगनाइज बाय सोसाइटी एंड सैक्शन बाय लॉ जी एंड दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी अब बात की आपने लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही बहुत ही बारीक डिफरेंस है और बहुत आवश्यक है बच्चों को समझने के लिए कि लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार हमें राज्य के द्वारा दिए गए हैं ओके चूंकि गवर्नमेंट ने दिए हैं तो गवर्नमेंट ही इसे प्रोटेक्ट करेगी जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो लागू करवाएंगे वो इनका संरक्षण भी करेंगे जी रही बात फंडामेंटल राइट्स की या मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है hmm. और इनका hmm. संरक्षण भी संविधान के द्वारा किया जाता hmm. है hmm. तो दिस आर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द मैम हम ये कह सकते हैं कि जब हम राइट्स की बात करते हैं भले वो फंडामेंटल राइट्स हो या लीगल राइट्स लेकिन उनकी प्रोटेक्शन भी लॉ द्वारा की जाती है बिल्कुल जी बिल्कुल बैन बताया कि राइट्स आर्बिट्री नहीं होते, या सब्जेक्टिव नहीं होते. Hmm. Right. तो जैसे आपने बताया भी कि क्या hmm. जरूरत है अधिकारों की Bilkul. किसी भी जनतंत्र में hmm. तो हमारे जनतंत्र में जहां इतनी पॉपुलेशन है बहुसंख्यक हैं अल्पसंख्यक हैं hmm. तो ऐसी स्थिति में जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं धार्मिक या भाषाई आधार पे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी हो जाती है जहां अल्पसंख्यक इनसेक्योर हो जाते हैं तो संविधान के द्वारा ये अधिकारों की व्यवस्था इसलिए ही की गई है कि उनको एक विश्वास रह सके कि यद्यपि हम संख्या में कम हैं परंतु हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता तो माइनॉरिटीज को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और व्यक्तियों को एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारों की बहुत आवश्यकता है जी तब हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज के कई बार अपने अलग से लॉज और कानून होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करने की उनको लिबर्टी दी जाती है लाइक हम मुस्लिम्स के केस में देखते हैं उनके अपने लॉज भी चलते हैं शरिया तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि हर किसी को एक लिबर्टी देते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल अब आपने देखा होगा एनसीआरटी की बुक में तीन देशों के केसेस दिए गए हैं जहां यह बताया गया है कि अगर अधिकारों से व्यक्तियों को वंचित किया जाएगा तो उनका जीवन कैसा हो जाएगा बिल्कुल की घटना के बाद बे बहुत प्रचलित हो गया था हर जगह न्यूज में था बिल्कुल तो ग्वान्टेमो बे एक ऐसा जेल था क्यूबा में जहां पे करीबन छह लोगों को अमेरिकन यूएस फोर्सेस ने सीक्रेटली उठाया और बस उनको डिटेन कर दिया कोई अधिकार नहीं कोई न्याय नहीं और सालों साल वो वहाँ पड़े रहे सड़ते रहे एमनेस्टी mm. इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल एन जी है mm. जब वहाँ पे उन्होंने पूरी जानकारी पता करी तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे रहने वाले कितने ही ऐसे बंदी हैं जो अलग अलग देशों के और नेशनैलिटी के थे और उनको ये अधिकार भी नहीं है कि वो अपने वकीलों को संपर्क कर सके प्ली लगा सके हम निर्दोष हैं तो आप देखिए ऐसे भी केसेस हैं मैं बताना चाहूंगी सऊदी अरेबिया देश जो अभी हमारे सामने उदाहरण है कि वहां को मह, वहां पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है वहां पर राजनीतिक दल एग्जिस्ट नहीं करते एक तरीके से राजतंत्र चल रहा है वहां पर भी अधिकारों का बिल्कुल एक तरीके से शून्य में है और युगोस्लाविया फॉर्मर युगोस्लाविया वहां की एक प्रोविंस है कोसोवो कोसोवो का क्या केस था कि कोसोवो में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज थे अल्बानियंस जबकि खुद युगोस्लाविया सर्ब्स का बहुल राज्य था तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी ही पुलिस फोर्सेस का प्रयोग करके उन माइनॉरिटी अल्बानियंस के अधिकारों को खत्म करवाया यह इसका बहुत मतलब बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है जो जिस देश में अधिकार नहीं है उस देश में आप ये सोच लिए जीवन नर्क है जनता का बिल्कुल मैम आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए इनफैक्ट हमने देखा भी कि पास्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ so, so, पर डिक्टेटरशिप थी सो कोई वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे लीगल राइट्स नहीं थे इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स यानी जो हमारे बेसिक मानवाधिकार हैं उनका भी हनन किया जाता था absolutely. और ये एक आपने बहुत एक अच्छी बात बताई कि जैसे प्रिजनर्स को डाला गया <laughs> बिना किसी प्रॉब्लम के या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के उनके पास उनके कोई राइट्स नहीं कि वकील कर सकें और हम देखते हैं कि हमारे देश में जब बिल्कुल पिक्चर क्लियर भी होती है

अमेरिका से अपनाए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आ, आर्टिकल 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार स्पेशल क्यों हैं क्योंकि ये एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स हैं hmm. परंतु ये एब्सोल्यूट नहीं होते इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस uh, लगाए जाते हैं hmm. साथ ही साथ में जो इनकी प्रवृत्ति है ना वो नकारात्मक है okay. अब नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ hmm. कि मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं ये राज्य ये राज्य सरकार की शक्ति पे रोक लगाते हैं hmm. कैसे ऐसे कानून है जो आप नहीं बना सकते hmm. इसलिए ये नेगेटिव इन नेचर है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं fundamental rights 6 fundamental rights hmm. right to equality right hmm. to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights or जिसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मैम ये आपने एक बेसिक हमें बताया कि हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें जो सबसे पहला राइट आपने बात करी राइट टू इक्वालिटी अब हम एक ये भी सुनते हैं कि इक्विटी भी एक टर्म यूज किया जाता है इक्वालिटी भी एक टर्म यूज किया जाता है क्या ये दोनों एक ही कॉन्टेक्ट में यूज होते हैं या फिर कोई डिफरेंस है इनके बीच हरप्रीत बहुत ही बारीक बहुत ही बारीक सटीक क्वेश्चन आपने पूछा और इसका डिफरेंस बच्चों को पता भी नहीं रहता हम इस पर चर्चा करेंगे। इक्वालिटी एंड जस्टिस अगर मैं इसको ऐसे समझाना कि अगर एक पेयर ऑफ शूज हैं, hmm. तो अगर मैं एक ही साइज के शूज सबको पहना दूं, hmm. तो वो तो हो गया इक्वालिटी hmm. पर ऐसे शूज में दूं जो अलग अलग साइज के हों जो लोगों के नीड्स के हिसाब से बनवाए उनके mm. साइज के हिसाब से बनवाए बन इक्विटी तो हो गया जी mm. तो इक्विटी इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड ऑन द नीड्स ऑफ़ द पीपल। सो दिस इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस राइट राइट इस वाले राइट को थो कर कर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके अगर हम बिल्कुल बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल चौदह से लेकर आर्टिकल अठारह में वर्णित किया गया है और यहाँ पे आर्टिकल चौदह कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन शेज दैट द गवर्न शल नॉट डिनाई एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ तो जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ वो ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं चाहे वो टाटा बिरला हो या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इंसान है कानून उसको एक बराबर का ट्रीटमेंट देगा कानून के ऊपर कोई नहीं है और जैसा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है तो वो भी यही बताता है कि भारतीय नागरिक अगर उसमें केपेबिलिटीज हैं तो उनको समान अवसर प्रदत्त किए जाएंगे इसमें एक रूल ऑफ लॉ का भी सिद्धांत है जो एवी डाइसी ने दिया था उसमें रूल ऑफ लॉ में भी यही कहा गया है कि इेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ अ पर्सन कानून और लॉ विल ट्रीट इक्वली राइट right. मतलब वो भेदभाव नहीं करता जी मैम इसके एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि हमारी कंट्री में जैसे कहते हैं वन वन पर्सन वोट करेक्ट आप चाहे प्रेसिडेंट हो कंट्री के या फिर आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो पर जब वोटिंग की बात होगी तो जैसे एक एक ही वोट आपका काउंट किया जाएगा तो कोई मतलब ऐसी वो नहीं है कि आपको ज्यादा कोई प्रिवलेजेस दी जाएंगी या फिर कोई आपको एक्स्ट्रा फेवर्स दिए जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरह इंटरप्रेट किया भारतीय कानून में हर एक व्यक्ति बराबर है समान है इसके बाद हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 में वर्णित किया गया है और राइट टू फ्रीडम को हम देखेंगे 19th जो अनुच्छेद है उसके कुछ सब पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है 19 ए बी सी डी जैसे 19 ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की या भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भारतीय जनतंत्र में यहाँ पर सरकार के अधिकारों के ऊपर भी मीडिया सीमा लगा देती है कि भाई मीडिया hmm. हर चीज़ को रिपोर्ट करती है जी. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगी इसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया आती है प्रेस आती है आर्टिकल नाइनटीन hmm. ए के अंतर्गत निहित है इम्प्लाइड है फिर असेंबल इन अ पीसफुल मैनर

एक्सप्लाइटेशन या शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भी कहते हैं आर्टिकल 23 और 24 beings, दूसरा, और जिसको हम बेगार भी कहते हैं और तीसरा चाइल्ड लेबर तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक ना हो अब ट्रैफिक मतलब उनको की तरह वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचाना जाए जो कि आप देखते हैं महिलाओं के संग अक्सर होता आया है फिर साथ ही साथ में किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना उसको बिना सैलरी दिए आप बेगार की तरह इंप्लॉय नहीं कर सकते यू विल हैव टू पे देम वट एवर दे हैव अर्नड मतलब आप उनको फ्री में कार्य नहीं करवा सकते साथ ही साथ में छ से चौदह वर्ष के जो बच्चे होते hmm. हैं उनको हजार दस जॉब्स में इंप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि भाई भारत में जो राइट टू एजुकेशन है hmm. वो मौलिक अधिकार है जी. और छ से चौदह साल का बच्चा ही और शी इज सपोज टू अटेंड द स्कूल तो उसको ऐसे किसी भी जॉब में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते नहीं कर सकते फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या जे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में वर्णित किया गया है यहाँ पे भी भारत के हर एक नागरिक को एक अधिकार दिया गया है राइट टू प्रैक्टिस एंड द रिलीजन ही और शी बिलीव इन सो इंडिया इज अ अक्यूलर स्टेट एक धर्म निरपेक्ष राज्य है hmm. धर्म निरपेक्ष राज्य की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि हमारे देश भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है hmm. हम लोग ए रिलीजियस है हमारा स्टेट एंटी रिलीजियस नहीं है इ hmm. रिलीजियस नहीं है ए रिलीजियस है एक प्रकार की न्यूट्रलिटी रखता है जी. सभी धर्म कानून की सरकार की निगाहों में बराबर है तो जब धर्म सारे बराबर हैं तो भारत के हर एक नागरिक को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म को अपना सके इसमें एक चीज ध्या, मतलब ध्यान देने योग्य है कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो भी कर सकता भी है कर पर सकता। वो नहीं होना चाहिए दबाव में नहीं होना बिल्कुल। चाहिए बिल्कुल और अगर कहीं फोर्स फोर्सन है तो वो इलीगल है और हम ये भी देखते हैं कई बार इंटरफेथ मैरिजेस होती है तो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकती है मतलब आप तब भी अपने रिलीजन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपसे उठली फ्रीडम ऑफ रिलीजन यही कहता है कि आप अपने धर्म को प्रीच कीजिए प्रैक्टिस कीजिए प्रोफेस कीजिए पर किसी अन्य धर्म धर्म को संकट में ना लाइए ये आपको देना पड़ेगा मैंने वैसे भी बताया राइट्स मतलब म्यूचुअलिटी अगर मुझे अधिकार है तो उस वक्त मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सामने वाले को भी अधिकार है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अब भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश में अगर हम अल्पसंख्यकों की बात ना करें तो ये अपने आप में फेयर नहीं होगा इसलिए संविधान सुनिश्चित करता है आर्टिकल उन्तीस और तीस के तहत सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार देता है ये माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं कौन सी माइनॉरिटीज जो भाषाई और धार्मिक रूप से देश में हमारे हैं तो एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर दे हैव अ राइट टू कंजर्व इट साथ ही साथ में ये लोग अपने शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं वहाँ पे ये प्रीच कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका तीसरा प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कहता है ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देर चॉइस राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते क्यों क्योंकि क्यों आपको संरक्षण देना है क्यों क्योंकि आपको लगता है कि आप माइनॉरिटीज में बिल्कुल हम देखते भी कि कॉन्वेंट स्कूल हैं सिख कम्यूनिटी स्कूल है मदरसे है, हैं तो वहाँ पर हर कोई अपने रिलीजन की टीचिंगस कर सकता है और चॉइस और अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो अपनी मदर टंग में भी आपको यू you नो know, पढ़ना बहुत जरूरी है और वो एक इंक्रेज भी किया जा रहा है कोई फोर्स लैंग्वेज नहीं होगी कि इसी में आपको पढ़ाई करनी है बिल्कुल हर चीज इससे मुझे याद आ गया बिल्कुल लाइफ <laughs> कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी और वहां पे चर्च में मास होता था जी तो उस चर्च के मास में हम हिंदू बच्चों को कभी हमारे प्रिंसिपल ने फोर्स नहीं किया कि आपको मास अटेंड करना hmm. है स्वेच्छा से आना चाहो तो यू कैन कम टू द चर्च एंड नहीं आना चाहो तो आपकी मर्जी दैट्स लवली ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे फ्रीडम दी जा रही है फ्रीडम फॉर रिलीजन फ्रीडम फॉर कल्चरल एजुकेशनल थैंक अब सबसे महत्वपूर्ण राइट जी। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल बत्तीस होता है आर्टिकल बत्तीस को जैसे हमने पहले भी बताया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और जैसे शरीर की अगर आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर बिल्कुल मृत हो जाएगा उसी प्रकार से अगर इस आर्टिकल के संग कोई छेड़छाड़ हो गई तो फंडामेंटल राइट एकदम या राइट की बात करूं तो बिल्कुल जीरो है अब इसमें ऐसा क्या खास है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आर्टिकल बत्तीस में ये कहा गया है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सरकार के द्वारा किसी संस्था के द्वारा है ना या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस पाने के लिए या ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए याचिका लगा सकते हैं अब आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात सुनी होगी जनहित याचिका की बात सुनी होगी तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फंडामेंटल राइट्स को एक से प्रिजर्व करने का तो कोई भी भारत का नागरिक उनको लगा सकता है पे रिट्स की भी मैं चर्चा करना चाहूंगी कि संविधान में पांच रिट्स का वर्णन किया गया है सबसे पहला हेबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस की याचिका लगाती है तो विदइन 24 आवर्स जिंदा उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा इसी के बाद आता है मैंडमस या फिर परमादेश अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने ओहदे पे रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा नहीं। और उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट परमादेश देती है तो उसको ही ही शी हैज टू डू द ड्यूटी परमादेश कहता है डू योर ड्यूटी इसी प्रकार से तीसरी याचिका जाती है प्रोहिबिशन सरश्योरारी और तो प्रोहिबिशन और सरश्योरारी दो ऐसी रिट्स हैं जो हमेशा के केस में लगाई जाती है कि ऐसी कोई कोर्ट जो इस प्रकार के मुकदमे की, की सुनवाई कर ले जो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है तब सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है सबसे पहले में तो कहती है निषेध अधिकार रुक जाओ इसकी सुनवाई आप नहीं कर सकते और जो अन्य दूसरी वाली नेक्स्ट रिट है उसका नाम है सरशोरारी उसमें कहा जाता है क्वैश द ऑर्डर मतलब आपने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर दी जो क्षेत्राधिकार में नहीं था तो यू विल द ऑर्डर विच यू हैव गिवन राइट और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिथ है उसको बोलते हैं कोवरेंटो वरंटो का मतलब हुआ व्हाट इज योर अथॉरिटी तो कॉ वर्टो की रिट तब लगती है जब कोई भी सरकारी कर्मचारी एक ऐसे पद को ग्रहण करे जिसकी उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो सरकार उसको क्वेश्चन कर सकती है ये रिट इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लगी थी जी, जी, जी। कॉ वंटो की रिट लगी थी और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा मैम ये आपने बिल्कुल एक जो टर्म यूज करी ना ये हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखते हैं कि कई ऐसी कंट्रीज भी है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उनका बिल्कुल धड़ल्ले से उसको माना नहीं जाता है कभी भी डिक्टेटरशिप आ जाती है

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है hmm. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके पास स्टैट्यूटरी बॉडी है ना और इसको कानून के द्वारा बनाया गया है और इसके जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोर्ट्स के बराबर हैं। right. अब इसका कार्य क्या है इसका कार्य जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे ऐसे कोई भी केसेस जहां लगता है कि व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है ये ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है hmm. साथ ही साथ में इट आल्सो इंटरफेस इन द जुडिशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साथ ही साथ में प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो जिस प्रकार से केंद्र में एक एन है उसी प्रकार से कमीशन है स्टूडेंट्स हैं बताया। तो अब हमारे जितने भी है, है, वो अब इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड और ज्यादा हो गए हैं उन्हें पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कहीं अगर उनका हनन हो रहा है तो उन्हें किसको अप्रोच करना है किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना है कैसे अपने राइट्स को सिक्योर करना है और हमारी कंट्री में सारे दिए गए हैं ताकि एज अ सिटीजन आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सके और किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप या फिर आपको ऐसा ना लगे जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जाम्पल जितना क्लोज कंट्री है आ, वहां पर तो बहुत ओपनली बहुत uh, यू नो लीगल राइट्स नहीं है लोगों के पास जैसे सऊदी अरेबिया एक और एग्जाम्पल हमने लिया लेकिन हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी हमें यही राइट देती है कि कैसे हम अपने राइट्स को बचाते हुए चाहे ह्यूमन राइट्स हो लीगल राइट्स हो फंडामेंटल राइट्स हो एक इन्फॉर्मड अपडेटेड सिटीजन की तरह आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन हमारे राइट्स किसी और के राइट्स को वायलेट ना करें इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस पूरी चर्चा के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट को थैंक यू सो मच मैम थैंक यू यूर वैल्यूबल टू दिस सेशन और अब समय है हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का जैसे आप देखेंगे लाइव हमारी ई विद्या चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल पर लेकिन मैं आपको ज्वाइन करूँगी द सेशन सहयोग इन अ शॉर्ट वाइल और तब तक के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को दीजिए अनुमति नमस्कार